Assalamualaikum. Delhi की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें दहली मरकज यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाए रिकन ऑफ मरकज डॉट कॉम रसोल बाद मेरे मोहतरम दोस्तों रब्बिल इज़्ज़त की तरफ से जिस दीन हक़ की दावत को लेकर आए हैं उसको सारी इंसानियत तक पहुँचाने और सारी इंसानियत को आहराज पर लाने के लिए अम्बिया मस्तुआसम के पास सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा मौसर जरिया वो इंसानियत के साथ शफक़त और रहमत और ख़ुद अपनी जानु माल से इंसानियत के काम आना है अक्रम सल्ला का फरमान है अनकम बिमन जिलमकुम मैं अपने लाए हुए दीन की तलीम बाप वाली शफकत के साथ देने वाला हूँ यही जिम्मेदारी ज़माने में आप वसल्लम के हर उम्मीदी की है इस वक्त की फैली हुई वबा में हम दीन इस्लाम के तारुफ के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसूल को अपनाएँ कहदि शरीफ़ में फरमाया है कि हर जी रूह पर रहम करने और शफकत करने पर अज रहे इस वक्त इंसानों की तमाम ज़रूरियात खाने पीने और हालतमंद लोगों के घरों तक ज़रूरी अशिया का पहुँचाना और हर भूखे की खबरगिरी करना इन तमाम आमाल खैर पर सबसे मुकदम काम यह है कि बीमार की जान बचाना और इसकी याबी के लिए अपने जान माल की कुर्बानी देना क्योंकि सही हदीस का मफहम है तमाम आलम में बिखरे हुए ईमान वाले एक जिसम के अजा की तरह हैं अगर इस वक्त दुनिया में कोई भी इंसान इस करोना के मरज़ में है तो उसकी इस बीमारी से तमाम आलम में बसने वाले इंसान इस तरह मुतासर हों जैसे एक अज् की बीमारी से पूरा जिसम मुतासर होता है किसी कुएँ में गिर जाने वाले को कुएँ से निकालना और उसकी जान बचाना हर उस शख्स का फरीज़ा है जो इसको निकालने की इसात रखता है ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर मुसलमान और खसूसा हमारे दावत के साथ जिनको क्वारटाइन में रखा गया और उनके टेस्ट किए गए अलहमद ला उन अक्सर शुरू से ही नगेटू आए हैं लेकिन बाज़ लोगों के पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज किया गया और उनमें भी अलहमद लाला अक्सर नगेटू होकर सेहतियाब हो गए हैं उनमें से कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा पैगाम वौूल हो वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रजा के लिए इंसानियत के काम आए और प्लाजमा खोन डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें <द्थाँगा> मिनजानब बंदा मोहम्मद साद गफी मरकज निज़ामुद्दीन नई दिल्ली छब्बीस शाबानमाज़म चौदह सौ इकतालीस हिजरी मुताबिक इक्कीस अप्रैल दो हज़ार बीस बरोज़ मंगल